नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल डिफेंस वेरियर पे। दोस्तों आज जैसा कि 15 अक्टूबर का प्रथम पाली यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्ज़ाम हो चुका है और हम उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और सभी क्वेश्चन का एक बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक अपना पेपर मैच नहीं किया है तो आप अपने पेपर के सभी क्वेश्चन मेरे इस वीडियो से मैच कर सकते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन जो हैं उनके सही आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो नहीं पता मुझे कौन सा सेट है ये, बट ये आज का ही पेपर है। आप अपना जो भी सेट है आप क्वेश्चन मिला लीजिए और इसका आंसर मिला लीजिए, क्योंकि ये देखा गया कि हर एक क्वेश्चन का क्रम अलग अलग रखा गया है। जैसे कि सेट ए है, सेट ए में पहले क्वेश्चन का अगर हिंदी रख दिया गया है तो सेट बी में वहाँ पर मैथ रख दिया गया है, और जैसे ही उनका सीरियल चेंज हुआ है उनका ऑप्शन भी उसी हिसाब से चेंज किया गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, यानी कि एक ये ग्राफ दिया, मतलब मैथ से स्टार्टिंग इसमें की गई है, और ये अगर क्वेश्चन आपका जहाँ भी हो उसको मैच कर लीजिए कि किस नंबर पे आपका ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 20% आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं, यानी आपको ये वेन डायग्राम आपको यहाँ पर बढ़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आए 20 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, 5 परिणामों का औसत 46 दिया गया है, पहले चार का 45 है, पांचवा पूछा गया है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर 46 गुड़े 45 करके और 45 गुड़े 4 इसको माइनस कर देना है, आपको जो परिणाम है वो आ जाएगा, और जो पांचवा परिणाम है उसका आंसर होगा वो 50 आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे अंडर रूट में दिया गया है, आप अगर अंडर रूट हटाएंगे इसका नीचे जितने भी दशमलव लगे हैं उतने नीचे जीरो बढ़ाएंगे, इस हिसाब से कर इसको वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद इसका ऐड करेंगे तो 14.26 आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14.26, यानी ऑप्शन नंबर सी, और आप अपने क्वेश्चन पेपर में इसका ऑप्शन मिला दीजिए। और अब यहाँ पे तीन क्वेश्चन पहले इसमें मैथ के थे और चौथा क्वेश्चन इसमें जो रख दिया गया है ये साइंस से है, और इसमें साइंस में क्या है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति इसमें किससे बनी होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा, सेल्यूलोज से ही बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, ये भी मैथ से है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपको इसको माइनस कर लेना है, और बहुत ही माइनर सी गलतियाँ हो जाती हैं, इसको बहुत ध्यान से करना है, और इसमें एग्जैक्टली आप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 30 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में ये दिया गया है फॉर्मेट है, आपको यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2c ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो फार्मूले के ऊपर रखा गया है, आपको फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको फार्मूले के बेस पर रखा गया है, जो नए जिनका अभी नहीं हुआ एग्ज़ाम दूसरे शिफ्ट में है वो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देंगे कि फार्मूले आपको जरूर याद हों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ए और इनके क्यूब के जो फार्मूले के फार्मूले जरूर ध्यान देंगे, इन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन बने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपके हिंदी से शुरू होता है, इसमें विलोम युग में पूछा गया है कि विलोम कौन कौन सा है, यानी कि नूतन और पुरातन, नूतन होता है बिल्कुल नया और पुरातन होता है पुराना, ठीक है, और बाकी जोड़ मेल सेम है, कर्कश खुरदरा खुरखुरा ये भी सेम है, निषिद्ध और तुच्छ ये भी लगभग सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो नूतन और पुरातन है ये बिल्कुल अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे विलोम पूछा गया। 8 नंबर ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना मतलब कि असंभव बातों को कल्पना करना है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सिर्फ कल्पना करते हैं उसके बारे में आप काम नहीं करते कि अब सोच रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग मैं अगर ये क्वेश्चन पेपर दे आता तो मेरा कितना अच्छा होता, तो वो सिर्फ आप कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से असंभव बातों की कल्पना करना ही इसका आंसर हुआ। 9 नंबर महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महर्षि का जो संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों। 10 नंबर है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, अनिल अनल, अनिल मीन्स हवा होती है, अनिल मीन्स आग होती है, ये बिल्कुल सही है। आपका अंश और अंश, अंश मीन्स एक हिस्सा होता है, अंश मीन्स एक कंधा होता है,
इस ये भी बिल्कुल सही है। और अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मीन्स किसी से आशा करना, किसी से उम्मीद करना, और उपेक्षा किसी का निरादर करना, मतलब यानी कि आप किसी को नीचा दिखाना। बल्कि और यहाँ पर डी ऑप्शन है अवलंब और अविलंब। अवलंब मतलब होता है अधर, और अविलंब मतलब है विलोकित, मतलब देर करना। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसमें पार्वती जो है ये पार्वती जी का है, रुद्राणी या रुद्र बोलते यानी कि जो होते हैं ये शंकर जी, तो शंकर जी की पत्नी यानी रुद्राणी, और भवानी, भवानी होता है पार्वती का भी होता है और दुर्गा जी का भी होता है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर, यहाँ पे एक इंग्लिश पैसेज है, अननोन पैसेज है, जिसको ये करना है, वाज कोरोलाइन ब्रदर ऑन आउटडोर टाइप्स? तो इसका जो आंसर है नो, यानी कि ऑप्शन ए। आप अपने में देख लीजिएगा इसका ए ऑप्शन पे है या बी ऑप्शन पे या सी ऑप्शन पे, जैसा भी हो। और फिर 13 नंबर भी इसी से लिया गया है, वाई वर द स्क्वाड कलेक्टेड फॉर बैटिंग? इसका ऑप्शन नंबर डी है। फिर उसके बाद ये रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया है 14 नंबर, यानी कि मिक्स करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं आपको, मतलब दिमाग ये नहीं है कि एक जगह पहले फिक्स कर लें, पहले हिंदी कर लें फिर मैथ कर लें, आपको हर तरीके से दिमाग आपको चलाना है हर सब्जेक्ट में एक साथ। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन में एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौते संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस का संबंध है? यानी महिला नीलेश की पत्नी लग रही है। इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। असंगत का अलग करें, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तो इसमें जो इनकरेक्ट जो है उसको जहाँ पर देखना है, 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343, आप यहाँ पे बिल्कुल देखने से पता चल रहा है कि ये सभी क्यूब लिखे हुए हैं, बाकी 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, बाकी सभी यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी कि इसमें देखा जा रहा था, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस देख लेना है कि अगर एक साल से आप दूसरे साल में एंट्री करते हैं तो एक दिन आपका पड़ता है, अगर आप उसमें लीप वर्ष पड़ रहा है तो उसमें आपका 2 दिन ऐड होगा। अब यहाँ पे लीप वर्ष किस में पड़ेगा, तो लीप वर्ष इसमें पड़ेगा 2008 में, तो इस तरीके से अब 2008 का 2 दिन जुड़ेगा और बाकी सभी सालों का एक एक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे जो भी दिन आएंगे 5 दिन आएंगे, तो रविवार में 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार बन जाएगा। ठीक है, गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड फर्टाइल। तो आपको यहाँ पे फर्टाइल का सिनोनिम, फर्टाइल होता है कि अधूरा, अपने आप में कोई चीज़ इनकम्प्लीट, यानी कि सॉरी, आपको यहाँ पे सिनोनिम देना है, तो फर्टाइल भी जो होता है एक अधूरा टाइप में होता है, और जो इनकम्प्लीट होता है वो भी आपका अधूरा ही होता है जो कि अपने आप में पूरा ना हो, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन मिल जाता है आपका, डिसअपॉइंट, यानी कि आप किसी चीज़ को आपको सही से सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, आपको अपने आप को सही सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसका जो एंटोनिम होगा सेटिस्फाइड, यानी कि किसी को आप सेटिस्फाई कर लेना, आप उसको मना लेना, यानी कि आप उसको संतुष्ट कर लेना, इसका आंसर जो हो जाएगा। 19 नंबर, यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंप्लेनिंग डायरेक्टरीज लेक्सिकोग्राफी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन मान सकता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट था और टफ भी था, तो वैसे भी इंग्लिश जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, जो UPSC को इंग्लिश इतना लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मल को लिखा गया है दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, अब उसी से गैदर को आपको किस हिसाब से लिखा गया, गैदर को वैसे ही लिखना है, किसमें प्लस वन हुआ है, किसमें प्लस फोर हुआ है, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो एन का होता है 14, आर का हो गया 18, यानी प्लस फोर हो गया पहले, ठीक है, प्लस फोर हो गया, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, प्लस वन होता है, इस हिसाब से आपको किसमें प्लस हुआ है किसमें माइनस हुआ है ये आपको देख लेना, और उसी हिसाब से इसमें आपको बैठाते जाना है और आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर नंबर है वो ए है।
TBGRFH। क्वेश्चन नंबर 21, आपको 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए सभी किताबें पेपर हैं, तो सभी आपको जो बुक्स हैं वो आपको पेपर हैं, ठीक है। और कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर आपका जर्नल हैं, और कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, कुछ जर्नल आपके कैलेंडर हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है, उसके बाद क्या क्या बोला गया है आपको उस हिसाब से यहाँ पर देखना है, और डायग्राम क्या बोला गया है ये आपको देखना है। तो कुछ जर्नल किताबें हैं, अगर जो भी मैच करता है आप उसको टिक करेंगे, अगर जो मैच नहीं करता है उसको क्रॉस कर देंगे। तो इसमें फिलहाल कोई मैच नहीं कर रहा है, और जिसमें जो फिगर भी बना है बिल्कुल सही फिगर बनाया हुआ है, इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। फिर करंट अफेयर्स आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया, और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये है कोलकाता के अंदर, और कोलकाता के अंदर ही पहली, आपकी बात करें अपने भारत में तो पहली मेट्रो भी कोलकाता के अंदर चली थी, और ये 2022 में अंडर वाटर जो है कोलकाता में मेट्रो चलाई गई है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण की तैयार कर लिया है, तो इसराइल के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण की जो है वो तैयार कर लिया है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो ये गुजरात में लॉन्च किए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो ताइवान का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चीन किया है, जो कि ताइवान और चीन के बीच में जो पीछे चलता रहता है 36 का आंकड़ा हमेशा, तो ये लगभग लगभग जो चीन से रिलेटेड जो भी मसले हैं ये इनको आपको ध्यान में रखना है और इनको देख के जाना है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, यह तो स्काईलाइट जो है इस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया था, ये भारतीय सेना की यानी कि मिलिट्री ने किया था इसको, ठीक है, इसका जो ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो ये सभी को लगभग लगभग पता होगा, ये UAE संयुक्त अमीरात ये अब जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है, तो IIT मद्रास ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 31, किस केंद्रीय मंत्री के अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो अमित शाह के अध्यक्षता में किया गया, कि जो ड्रग्स के जो भी अध्यक्ष हैं, ये जो ड्रग्स रिलेटेड जो भी एक मंत्रालय बनाया गया है जो इनके ऊपर छापेमारी करते हैं सब चीज़, इसका जो अध्यक्ष है वो अमित शाह जी हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये जो है गोवा, इसका आंसर जो है गोवा। और इस योजना से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन और हैं, उनको भी आपको ध्यान दे लेना है जो भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और जो दिवस हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो UN द्वारा मनाए जाते हैं, उनको ज़रूर एक बार आपको देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये माजुली द्वीप है जो कि असम में पड़ता है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट, जी हाँ दोस्तों। और हंगरी की अभी अभी जो महिला हैं वो एक जो राष्ट्रपति है, एक महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा।
अगली शिफ्ट आने जो आने वाली हैं जो। 36 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताएं। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना ये आंध्र प्रदेश बना था हमारा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम 25 वर्ष होती है लोकसभा में और राज्यसभा में 30 वर्ष। 38 नंबर क्वेश्चन है, UNFCCC का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 39 नंबर क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी ये लगभग सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ का त्रिलोक थिएटर है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? 40 नंबर क्वेश्चन, तो ये स्विट्जरलैंड है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें तो शहर नहीं है, आपको सीधा देश पूछा गया है। तो ये स्विट्जरलैंड में है ओलंपिक का मुख्यालय। और नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, लिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी? पावर्स ऑफ द माइंड जो है ये स्वामी विवेकानंद की है। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद आपको मिल जाता है जो कि पठित होता है, आपको हिंदी से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे पढ़ना है और उसके आधार पे आपको यहाँ पे क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपने पढ़ा ही होगा। इसका जो डायरेक्ट आंसर अगर हम मैच करवा देते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, इसका साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो साहित्य दुष्प्रभावों के सामने लाकर अपना जो दायित्व है वो पूरा करता है। 43 नंबर क्वेश्चन, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कृतज्ञतावाद का संदेश देता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि यह साहित्य द्वारा समाज के विडंबनाओं और विसंगतियों के पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्यों है? क्या है यहाँ की साहित्य और समाज, इसका जो उचित शीर्षक है। फिर एक यहाँ पे अपने गद्यांश आपको मिल गया है, इसको भी आपको यहाँ पे कर लेना है। तो गद्यांश का में चिरस्थाई शब्द का विलोम जो है, चिरस्थाई मतलब चिरकाल से, मतलब जो बहुत पुरानी समय से चला आ रहा हो। चिर मतलब होता है पुराना और क्षणभंगुर होता है जो कि बहुत क्षणिक होता है, कम समय का होता है। इसका आंसर होगा नंबर डी। 48 नंबर, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य को मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें। और 49 नंबर क्वेश्चन, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका आंसर है, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर असकी धार पर चलने की के समान क्यों बताया गया है? अस यहाँ पे एक शब्द बोला गया, अस जो होता है खड़ग यानी कि तलवार का, एक यहाँ पे पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया है, जिसको नहीं पता होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होता है उतना ही कठिन होता है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका वेन डायग्राम से आपका पाई चार्ट है आपका, इससे आपको दिया गया है। तो इसके हिसाब से जो 52 नंबर क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो औसत राशि 26.66 लाख रुपये। 53 नंबर से दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि की लगभग कितने प्रतिशत है? तो 0.6% है। 54 नंबर क्वेश्चन, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 68.33। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही आपको हल करने पड़ेंगे, बट आपको अगर आपने हल किया ही होगा इसको, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का उत्पन्न का अनुपात क्रमशः क्या है? तो अनुपात 109.151 है। और ये हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम रोजगार वितंकित की बुक में मुझे ये मिला था क्वेश्चन, लगभग वही क्वेश्चन ही है ये, एक बार देख लेना पड़ेगा मुझे।
और 56 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? तो 738.44 लाख कुल व्यय था। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है 57 से 61 नंबर तक क्वेश्चन ऐसा ही बात कर लें इसमें। तो 57 नंबर क्वेश्चन, 10 दिनों के दौरान 57 नंबर क्वेश्चन, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो ये 25.36 का था। 58 नंबर क्वेश्चन, अल्टो और विक्ट क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति में एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, मिलने के बाद भी एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं, यदि शुरू के दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है। अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे के से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये 0 घंटे का है। और 59 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा 56:99। 60 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात या 18:25। 61 नंबर क्वेश्चन, सभी कारों को 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, तो इसका जो आंसर होगा 61.61 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल पूछी गई है, औसत चाल पूछी गई है। फिर यहाँ पर पाई चार्ट आपको मिल जाता है इसके हिसाब से। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको 5000 आंसर आएगा, जिसमें 2003 के दौरान कंपनी के में कार्यरत कर्मियों की संख्या पूछी गई है। 63 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान सभी किसी भी वर्ष में कंपनी शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, तो इसका जो आंसर होगा 9/13। 64 नंबर, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है? तो 2002 में ये जो है इसका जो आंसर होगा 2002 होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 2002 और 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या कमी हुई? तो 1% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। 66 नंबर क्वेश्चन, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? तो ये 96.15%, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। 67 से 71 तक का फिर यहाँ पे पाई चार्ट बनाया गया है, इसके हिसाब से पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2017 में थी। 68 नंबर दिए गए, कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पाद से अधिक था? तो 4 वर्षों में औसत उत्पाद से अधिक था। 2013 से 17 तक खिलौनों के उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई? 20% गिरावट देखी गई। 2015 और 16 के औसत उत्पादन के निम्नलिखित में से किन वर्षों की युग्म औसत में लगभग बराबर है? 2012 और 17 का औसत जो है वो बराबर है। 71 नंबर क्वेश्चन, 2011 की तुलना में 2018 के खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो ये 173.5% की वृद्धि देखी गई। 72 नंबर अब यहाँ पे आपको मिल गया है, जीएस और संगमरमर पर पित्रादुरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम को लोकप्रिय किसने बनाया? तो लोकप्रिय इसको बनाया है शाहजहाँ ने। पित्रादुरा क्या होती है? एक संगमरमर पर जो आपकी पेंटिंग होती है इसको पित्रादुरा कहते हैं, और ये ताजमहल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इसको शाहजहाँ ने बहुत ही ज़्यादा इसको लोकप्रिय किया था। 73 नंबर क्वेश्चन, लिखित में किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया? तो ताम्रपाषाण काल में तांबे को पहली बार यूज किया गया। 74 नंबर क्वेश्चन, लिखित में किस स्थान पर बौद्ध प्रथम संगीत का आयोजन किया गया? इसका आयोजन राजगीर में किया गया, पहली बौद्ध संगीत राजगीर में हुई। 75 नंबर क्वेश्चन, देवानाम प्रियदर्शी किसको कहा जाता था? तो ये सम्राट अशोक को कहा जाता था। 76 नंबर क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में किसका शासन था? तो भारत में तब मुगल थे, और मुगलों में से उस समय अकबर का शासनकाल था। ठीक है, और जब कंपनी यहाँ पे पहुँची तब अकबर मर चुके थे, तो जहांगीर यहाँ पे गद्दी पर बैठे थे। 77 भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। और 78 नंबर क्वेश्चन, दांडी नमक यात्रा के दौरान लिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी इन्होंने बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 79, राष्ट्रवाद की पहली
राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है आपकी, वैसे तो पहली तो मिलती है अमेरिका में, लेकिन अगर संगठित रूप से देखी जाए तो सही रूप से तो ये फ्रांस में होता है, बट इसका आयोग देखो इसमें कौन सा आंसर मानता है। बट फिलहाल इसमें अमेरिका और फ्रांस दोनों भी कन्फ्यूज़न में हैं, देखो इसमें कौन सा आंसर सही आता है। 80 नंबर, सरकार के निम्नलिखित में से किस अभी अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये भारत अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई से सिंध का निर्माण हुआ। फिर 81 नंबर, प्रसिद्ध नारा जो है दिल्ली चलो यानी कि चलो दिल्ली, ये है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बयासी नंबर क्वेश्चन है, कौन से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी का उपलब्धता जो है आर्थिक कारण नहीं है, बाकी शहरीकरण, खनिज औद्योगिकरण ये आर्थिक कारण है। 83 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है? तो ये नेपाल और चीन के जो ऑक्यूपाइड एरिया है तिब्बत जिसमें अधिकृत है चीन के, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान, जो कि अक्टूबर अभी प्रेजेंट टाइम पे जो गर्मी पड़ रही है इसका आंसर पूछा गया है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति से रणनीति का हिस्सा था? तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी का यूज़ किया गया, उच्च उपज वाले किस्मों के जो बीज हैं उनका यूज़ किया गया, सिंचाई इनके अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। और बिहार का शोक किस नदी को आ जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को आ जाता है। 88 नंबर है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत देता है, बल्कि अब पंचवर्षीय योजनाएँ बंद कर दी गई हैं। 89 क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र किससे संबंधित होती हैं? तो अधिकांश गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित होती हैं, ठीक है। और जो कि विकसित जो हो जाते हैं देश, वहां पे थर्ड यानी कि तृतीय चरणों से संबंधित, तृतीय क्षेत्र से संबंधित होती है यानी कि सेवाओं से, और जो प्रथम होता है वहाँ आ जाता है एग्रीकल्चर। 90 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो वाणिज्यिक बैंक इसमें आपकी सिडबी हो गई, आरबीआई हो गई, ये आपकी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। वाणिज्यिक बैंक की स्थापना 1992 में की गई थी। राष्ट्रीयकरण आपका 1992 में किया गया था और स्थापना 1988 में हुई थी। 91 नंबर क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून द्वारा पारित किया जाता है? तो वैधानिक निकाय यानी कि संसद जो भी किसी निकाय को बनाएगी तो एक वैधानिक निकाय के अनुरूप बनाएगी और उसे वैधानिक निकाय कहा जाता है। संघ की, भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? नहीं है, तो इसमें आपके उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब शामिल होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते क्योंकि ये संघ की कार्यकारिणी है, राज्य की कार्यकारिणी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में करता है? तो 124 नंबर अनुच्छेद से सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात की गई है। 94 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की शक्ति होती है कि उन्हें पास करें। 95 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने की अधिकार है? तो संसद, संसद चाहे तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट वो बना सकती है। वनस्पति रेशा नहीं है, नायलॉन जो होता है ये आपको वनस्पति रेशा नहीं है, जो कि आपको एक यहाँ पे लैब में बनाया जाता है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, तारों का रंग किसके आधार पे होता है? उनके तापक्रम के आधार पे होता है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस है ग्लोबलिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया नामक
मानव शरीर निम्नलिखित के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मानव शरीर के फेफड़े में प्रभावित करता है। आई थिंक आप सभी लोगों ने अपना जो क्वेश्चन पेपर होम डाल लिया होगा और अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे पता चल सके, एनालिसिस हो सके कि आखिर टॉप कितना बनने वाली है, कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में कितने लड़के ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही सेकंड सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको सभी के पास मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ जय भारत।